अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत महबलस से, आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। परवरदिगार आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इलाही आमीन। व्यूअर्स, जो मैंने आपको फेस डमी पे आईब्रो शेपिंग करना सिखाई थी, तो उसको आज मैं आई मेकअप लुक दिखा रही हूँ अपना। ये मेरा पार्ट टू है, उसको आप पार्ट वन समझिएगा। वो इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने कहा पहले मैं आपको आईब्रो शेपिंग क्रिएट करना बता दूँ। तो मैं आज आपको सिंपल आई मेकअप बता रही हूँ, जो कि आप अपने पार्टी फंक्शन में, जो घर के पार्टी फंक्शन नॉर्मली होते हैं, या ईद वगैरह पे आप घर में तैयार होते हैं नॉर्मली, उसके लिए उसका पार्टी मेकअप लुक दिखा रही हूँ, या आई मेकअप लुक दिखा रही हूँ, जैसे भी आप को सही लगे, या तो पार्टी मेकअप के हवाले से, या तो आपको नॉर्मल पार्टी वो नॉर्मल आई मेकअप के हवाले से। तो मैं आपको इसके बाद, इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और व्यूअर्स प्लीज़ देखें, इस वक्त रात के 1:30 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। चूँकि मैंने आपसे कहा था इसका कंप्लीट लुक मैं आपको करके दिखाना चाहती हूँ, तो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी, कि बाद में वो इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो सिंपल आई मेकअप जो होता है बेसिक, ये मैं स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए है, न्यू कमर्स बहनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जो अभी अभी इस फील्ड में आई हैं उसमें, और उसको आप सीख रही हैं, तो उनके लिए स्पेशली है, या उन बहनों के लिए जो पार्लर नहीं जा सकती और अपने आप को घर में ही ग्रूम कर लेती हैं, अच्छा लुक बना लेती हैं, तो उनको आई मेकअप कैसा करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। और स्पेशली और हाँ, ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ और भी बताऊँगी कि जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, मॉडर्न ट्रेंड चला हुआ है एडवांस, तो एक आँख पे मैं उसको एडवांस लुक करके दिखाऊंगी, सेम वही मेकअप होगा, मगर फ़र्क क्या होगा वो आपने ऑब्जर्व करना होगा, मैं आपको बताऊंगी भी। तो देखें, अगर आप सिंपल आई मेकअप कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको एक, जैसे आप कोई भी कपड़े पार्टी में या घर के में सिंपली आप एक ड्रेस, कोई भी ड्रेस वेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि एक ही कलर उठा के लगाएंगे, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसा कोई कलर मैं लेती हूँ अपने ये देखिए मैं पैलेट में से, कि आपको बआसानी समझ में आ जाए, है ना। क्रिएटिव लुक तो मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपल लुक कर रही हूँ कि आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उसमें से मैं कोई ऐसा कलर ले लेती हूँ कि जिसमें आपको समझ में आ जाए, मगर अभी मैं आपको मैट कलर्स में से आपको मैं बता रही हूँ। कोई शिमरी कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई वेलवेटी कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से कि ताकि जब आपको मैट कलर यूज़ करने आ जाएंगे, और फिर जो पहले तो खैर चले, मैं आपको शिमर लुक करके, मतलब वेलवेटी कलर ही से मैं आपको बता देती हूँ कि मे बी के चले एक पे मैट कर देते हैं, सॉरी, आपको मैं चाह रही हूँ कि इजी कर करके मैं आप तक पहुँचाऊँ बात, अपना मकसद। तो एक एक आई पे हम मैट लुक करते हैं और एक आई पे हम वेलवेटी लुक करते हैं, वेलवेट कलर लेकर, वेलवेट शेड लेकर। तो जो जब हम वेलवेट कलर यूज़ करेंगे, तो उसमें हम मॉडर्न जो आजकल एडवांस चल रहा है उस पर बता देंगे, अभी हम जो घर में तैयार होते हैं सिंपली, मैं वो कलर करके बताती हूँ। जैसे कि मैं कलर ले रही हूँ, ये क्या लूँ कलर, चलें मैं ये ऑरेंज रेड मिक्स कलर होता है वो ले रही हूँ, इस पर करके बता रही हूँ। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये देखें, आपने क्या करना है कि हमारे आई बॉल का जो डी होता है उसको कवर करना है, ठीक है। अच्छा, डी हमारी जो होती है ये टेल डक से लेके जो और
टेल डक से लेके और लास्ट हमारे आई कॉर्नर तक, और इसको हमने इसको इस तरह करके यहाँ तक लेकर आना है, उसको कहते हैं डी क्रिएट करना। ये देखें, जब आप घर पे तैयार होते हैं ना, कोई भी कलर के कपड़े पहनते हैं उसी लिहाज से आप आई मेकअप कर लेते हैं, ये मैं वो बता रही हूँ। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, यकीनन आ रहा होगा। अच्छा, कभी भी जब आप आई मेकअप करें तो प्लीज़ आपने बहुत ध्यान देना है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेना है और उसको आपने अप्लाई करना है, ताकि आपका जो मेकअप लुक है वो ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा वन गो में आपने कलर अप्लाई कर लिया तो फिर आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, इसको कहते हैं डी क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि ये तो सिंपल मेकअप हो गया, ठीक है, जो आप अपने घर में अप्लाई करेंगे और घर के भी कोई भी पार्टी फंक्शन में या कहीं पे आपको अगर फ्रेंड सर्कल में जाना है या ऐसे कोई सिंपली मतलब बर्थडे मेकअप हो, ये हो वो हो, उसमें आपने ये लगा लेना है जो भी आप कलर के कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो एडवांस जो मेकअप लुक आई है वो मैं आपको इसमें, ये तो मेरा हो गया मैट कलर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एडवांस जो लुक आई है, अभी मैंने अभी इसको हाफ डन किया है, अभी मैंने फुल डन नहीं किया। अगर आप, चलो मैं फुल डन कर ही देती हूँ। अच्छा, हमने लगाना होता है ट्रांजिशन शेड, ठीक है, ताकि, अच्छा, इसी को आप घुमा घुमा के इसको आप हार्श लाइन को इसकी ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये राउंड राउंड, ये देखें, ये बिल्कुल आपने हार्श लाइन को इसको ब्लेंड करना है। जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपका आई मेकअप लुक अच्छा होगा, देखें, ठीक है। यहाँ पे हमने डी पे हमने ज़्यादा कलर रखा, और जब हमने डी क्रिएट कर ली उस डी को हमने ब्लेंड आउट करना है, ताकि आपका मेकअप जो है, जो हमने डी क्रिएट करिए वन टोन से, उसको हमने ब्लेंड करेंगे तो वो आपका मेकअप बहुत अच्छा नज़र आएगा। फिर इस तरह डी क्रिएट वो ब्लेंडिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने कोई भी सिल्वर या डल गोल्ड, जैसे मैं आपके सामने डल गोल्ड का हाइलाइटर, ये ब्रो बोन पे, अक्सर लोग ब्रो बोन पे पूरा क्रिएट कर देते हैं ब्रो बोन पे हाइलाइटर, नहीं, हाइलाइटर आपने इस जगह क्रिएट करना है, सिर्फ ब्रो के नीचे, बिल्कुल ब्रो बोन में, ये देखिए, बस इतना कि आपका मेकअप सूरत लगे। ठीक, यहाँ तक नहीं लाना है आपको, और अगर ला भी रहे हैं मगर वैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइलाइटर जो होता है सिर्फ ब्रोबोन के ऊपर ही होता है, ताकि आपकी ब्रोबोन विजिबल रहे और वो शाइन करती रहे। ये देखें, आपको ब्रोबोन शाइन करती हुई लग रही होगी, सिर्फ इतना क्रिएट करना है। हाँ, ये जहाँ से आपकी आर्च बन रही है, आईब्रो का शेप बन रहा है, वहीं पे आपने हाइलाइटर लगाना है। ये देखें, नज़र आ रहा है ना आपको, यकीनन आ रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल आई मेकअप लुक, और चले मैं इसमें आईलाइनर भी लगा देती, मैं एक कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में और करने में आसानी हो। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है जब घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो उसमें बहुत कम, जैसे बर्थडे मेकअप हुआ या ईद मेकअप हुआ तो आप लोग लैशेस वगैरह तो नहीं लगाते ना, तो उसी में आपने क्या करना होता है, सिंपल आई मेकअप लगाने के बाद फिर आपने करना होता है आईलाइनर। ये देखें,
काजल लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया और दैट्स इट, आपका मेकअप हो गया कंप्लीट। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप पतला लाइनर लगा रहे हैं या आप चौड़ा आईलाइनर लगा रहे हैं, डिपेंड ऑफ आई। अच्छा, जब आंखें बड़ी होती हैं, ये देखें, आपके दिखाने के चक्कर में ना कि आप लोग को सही दिख जाए तो मेरा हाथ अनबैलेंस हो रहा है। ये देखें, ठीक है, आपने इस तरह नो विन नो फेदर किसी किस्म का आईलाइनर नहीं लगाना है और नीचे लगा देना है काजल। तो चलें काजल भी लगा देते हैं इनको, नीनी को। अब मैंने क्या किया है कि ब्लैक कलर लेकर इनके हम लगा रहे हैं काजल। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये हमने नैनी को, अपनी डमी को हमने लगाया है काजल। और काजल जो मैं लगा रही हूँ वो मैं आई शेडो पैलेट में से ही ब्लैक कलर को लेके लगा रही हूँ, मैं ओरिजिनल का, और चूँकि हमें करना भी यही होता है। अच्छा, इसी तरह जैसे जब आप काजल लगाते हैं तो सिलाई से जब आप काजल लगाते हैं तो आपके ये लिड पर भी आपको लगाना ज़रूरी होता है, तो जिससे आँख बहुत खूबसूरत लगती है। दैसी बात है, आप सिलाई से या किसी से भी लगाएंगे तो ये काजल, तो वो जाहिर सी बात है वो आपको प्रोमिनेंट तो करना ही होगा, ठीक है। ये देखें, और मैं मज़ीद इसको क्लियर कर दूँ काजल को। ये देखें, ये देखें, और चाहें आप तो उसी काजल से, वो सॉरी, काजल काजल लगाने के बाद जो हमने शेड लिया है जब हमने इसकी ट्रांजिशन करी थी या हमने इसको ब्लेंडिंग करी थी तो हमें लाइट कलर मिला, तो आपने क्या करना है, लाइट कलर लेके हल्का सा, वैसे तो आई मेक साथ सिंपल आई मेकअप लुक में नहीं भी करें तो चलेगा, मगर अगर आपका दिल चाहे तो ये ब्राउन कलर लेके इस तरह नज़र आ रहा है ना इनके, ऐसे आप भी अपने ऐसे ही कर सकते हैं। ब्राउन कलर ले लें या पिंक कलर ले लें या जो भी आपके अच्छा लगे, मगर ब्राउन और पिंक ही या इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगता है, उससे सॉफ्ट लुक आता है मेकअप में। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा एडवांस लुक पर यही मेकअप करके दिखा रही हूँ। तो हमने क्या करना है एडवांस मेकअप लुक के हिसाब से, अच्छा इसमें हमने क्या करना है कि हमने इस वाले आई मेकअप लुक में हमने क्या करना है, जो एडवांस मेकअप लुक है कि हमने कंसीलर लगाना है। ये देखिए, हमने कंसीलर लगाना है, नज़र आ रहा है ना आप लोग को, ये देखें, हमने कंसीलर लगा के पूरी आँख पे हमने स्प्रेड करना है। ये देखें, ये कंसीलर मेरे पास मिस रोज़ का है जिससे मैं आपको कंसील करके दिखा रही हूँ आई को।
ठीक है। कंसीलर जब हम लगाते हैं, अच्छा हम कंसीलर इसलिए लगाते हैं कि जो भी पिगमेंट है हमारी आईज पे, जैसे डार्क सर्कल हैं और ये सब भी छुप जाते हैं, और जो हम आई मेकअप क्रिएट कर रहे होते हैं कलर शेड, वो हमारे बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये देखें इस तरह हमने क्या करना है, पूरा कंसीलर लगाने के बाद हमने इसको करनी है टाइनी ब्यूटी ब्लेंडर से आई को टैप, ऐसे से टैप करना है। ऐसे टैप करने के बाद फिर हमने इसकी पाउडरिंग करनी है, इसको लॉक करना है कंसीलर को, ठीक है। पाउडरिंग हम क्यों करते हैं, कंसीलर को लॉक करने के लिए, याद रखिएगा पॉइंट। इसको हमने अच्छे से पाउडर से लॉक कर देंगे कंसीलर को, ये देखें हमने लॉक कर दिया। और जितनी भी हमारी आई के ऊपर लाइंस होती हैं ये वो, इससे सब एक इक्वल स्किन हो जाती है, जिस पे हमें काम करने में आसानी हो जाती है। वरना अक्सर जो ओवर एज खातून होती हैं बहुत लाइंस पड़ जाती हैं, बहुत इनकी आईलेट जो होती है बहुत थिन हो जाती है, उसके हवाले से भी कह रही हूँ। अच्छा ये तो जो मैंने बताया है कंसीलिंग करना, पाउडरिंग करना, उसकी टैपिंग करना और उसको कंसील को हमने ब्लॉक करना, ठीक है। अब हमने इसी पैलेट में से वही कलर बता रही हूँ, एक मैंने सिंपल जो मेकअप था वो बताया, अब इसी सिंपल को मैं एडवांस में थोड़ा एडवांस क्रिएट कर रही हूँ, वही कलर ले रही हूँ, कोई दूसरा कलर नहीं ले रही हूँ जो मैंने उस पर अप्लाई किया था। फिर इसको आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रखते रहेंगे, ये देखें डी क्रिएट करनी है, इसमें भी आपको डी क्रिएट करनी है, ठीक है। और वही मैट शेड ले रही हूँ मैं, ये देखें थोड़ा थोड़ा कलर मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, पेस्टिंग कर रही हूँ, ताकि कलर हमेशा जब भी हमने पेस्टिंग करनी होती है कलर की, वो कम अमाउंट में ही लेके करनी होती है, ताकि हमें डिज़ायर कलर मिल जाए। और अगर हम वन गो में हम कलर ज़्यादा उठा लेंगे तो वो आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, ये बात मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमने ब्रश को क्लीन करके, या आप अगर आपके पास नहीं है उसी ब्रश को क्लीन करके आपने फिर इसको स्प्रेड करना है, इसकी हार्श लाइन को, ठीक है, स्प्रेड करते जाना है, ठीक है। अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है तो आपने इसका ट्रांजिशन शेड ले लें आप, ठीक है। ट्रांजिशन शेड लेके, जैसे कि मैं ये ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ उसके ऊपर ब्राउन्स, ये देखें कि ताकि आई की डेप्थ को हम विजिबल कर सकें, ये हमने इसको स्प्रेड करने के बाद इसकी हार्श लाइन को हमने ब्लेंड करना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि कलर एक दूसरे में से निकलते हुए नज़र आए, ये देखें कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा ब्लेंडिंग के बाद हमने इसको फिर दोबारा से रिफ्रेश करना है, क्योंकि जब ब्रश हम आप चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके लग जाता है या कम हो जाता है वो आई मेकअप, तो उसको आपने दोबारा से रिफ्रेश करना है, उसके कलर्स को दोबारा से विजिबल करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो ब्लेंडिंग हुई है, जिससे ब्लेंडिंग से ट्रांजिशन शेड हमने लगाया, वो सब ब्लेंड करके एक दूसरे में से कलर निकलते हुए आएंगे, देखिए, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने फ्लैट ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर लगाना है वेलवेटी शेड। अच्छा
देखें ये वेलवेटी शेड मैं लगा रही हूँ लाइट कलर का, ताकि ये और विजिबल हो जाए और ख़ूबसूरत लगे। बात सारी है ख़ूबसूरती की, ठीक है। या चले मैं इसी कलर को आपको करके दिखा दूँ, ताकि ये देखें हमें जब जब भी वेलवेट कलर या कोई भी शेड यूज़ करना होता है तो हमने आई बॉल के सेंटर में, ये देखिए आप देख रहे होंगे, सेंटर में टैपिंग करनी होती है कलर की, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, तो ये बहुत खूबसूरत सा नज़र आता है। है ये एक तरह ज़्यादा क्रिएटिव मेकअप नहीं है बता रही हूँ मैं आपको इस वाली आई पे, मगर उसको आप और किस तरह सिंपल आई मेकअप को किस तरह और मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। कोई मैंने इसके कॉर्नर, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन, फिर मैं इंशाल्लाह आपको कलर क्रिएट करना भी बताऊंगी आई मेकअप के। अभी तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये अभी सिंपल आई मेकअप से स्टार्ट करूं कि सिंपल आई मेकअप कैसा होता है, उसकी लुक कैसी होती है। ये देखें शाइन कर रहा है ना, देखें आ रहा है ना नज़र। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ आई बॉल के सेंटर में ही आपने इसको शाइनी लुक देनी है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वही आईलाइनर की एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। ये देखिए सिंपल आईलाइनर लगा है, कोई भी आईलाइनर नहीं है, कोई फेदर आईलाइनर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, सिंपल आईलाइनर, ठीक है। फिर वही आप चाहें तो काजल लगा लें, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, कि वही लाइट सा ब्राउन शेड लेना है और इसकी अगर चाहें तो काजल लगा लें तो ये लुक हो जाएगी, और अगर नहीं लगाना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल एक कलर लेके ब्राउन वो आईलेट के नीचे लगा दीजिए, और आपका दिल चाह रहा है तो काजल लगा लीजिए। ये देखिए ये आपका हो गया सिंपल वेलवेटी आई मेकअप लुक, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि हमने हमने क्या करना है कि हमने फिर इसको हाईलाइट करना है ब्रो बोन पे। आप फिंगर से भी कर सकते हैं और आप ये फोमी ब्रश से भी कर सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको। चले मैं इससे भी करके दिखा दूं आपको, ताकि आपको ये ना रहे कि मैंने करके नहीं दिखाया। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ आपने ब्रो बोन के ही नीचे हाइलाइटर लगाना है, यहाँ तक नहीं लगाना है। ये देखिए, और उसको भी ब्लेंड करना है।
अलग से रखा हुआ नज़र ना आए। ठीक है, ये देखिए ये देखिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि लैशेस लगानी है। वैसे तो घर में अगर कोई हल्का फुल्का पार्टी फंक्शन होता है तो उसमें लैशेस नहीं क्रिएट करते हैं, मगर मैंने कहा चलो मैं आपके इत्मीनान के लिए मैं इसको भी लगा के दिखा दूं। ये देखिए। अच्छा, पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे पास आई लैशेस हैं। जब आपने एप्लीकेशन करनी है तो आपने अपने आई के साइज से आपने इस आई लैशेस को यूज़ करना है। अगर आई लैशेस आपकी आई के हिसाब से बड़ी है तो उसको साइड में से कट करना है। और मगर चूँकि ये मैं डमी पे लगा रही हूँ तो मैं कट नहीं कर रही हूँ, वो भी मैं आपको आई लैशेस लगाना बताऊँगी कि किस तरह आपने आई लैशेस लगानी है। अपनी आई के हिसाब से ये देखिए, दूसरी मैं लगा दूँ ताकि आप मुतमईन हो जाएं। अच्छा, आई लैश जब लगाते हैं ना तो इस तरह का जो बनाता है तो लेफ़्ट राइट बना दो, जो लेफ़्ट की है वो लेफ़्ट में लगेगी आई में, जो राइट की है वो राइट में लगेगी। ये ध्यान करके आप लगाइएगा। ये देखिए, फिर आपने क्या करना है लैश लगाने के बाद, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। तो ये आई होप कि आप लोग को सही से समझ आ गया होगा। ये मेरा आईब्रो शेपिंग करके जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आई मेकअप लुक क्रिएट करके बताऊंगी, जो सिंपल आई मेकअप लुक होता है जो आप आसानी से घर में कर सकते हैं, वो मैंने आपको आई मेकअप लुक करके बताया है। और इंशाल्लाह मैं आई मेकअप लुक तो और भी आपको करके बताऊंगी, मगर पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सुन लीजिए कि मैं पहले डिफरेंट किस्म के आई लाइनर लुक आपको दिखा दूँ, बता दूँ, ताकि जब मैं अपना एडवांस मेकअप या एडवांस काम लेकर चलूँ तो मुझे आपको कुछ ज़्यादा बताना ना पड़े, और जब मैं क्रिएट करती रहूँ बनाती रहूँ तो आप समझते रहें कि मैंने कौन सा आई मेकअप लुक क्रिएट करा है, कौन सा आई लाइनर मैंने क्रिएट करा है। तो उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप बआसानी समझ सकेंगे। अब मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपको आई लाइनर जो डिफरेंट आई लाइनर होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, एक आंख में मैंने काजल लगाया था, वो भी आप देख लीजिए, और एक आंख में मैंने काजल नहीं लगाया है, सिर्फ सिंपल आई लाइनर लगाया है, क्योंकि कुछ लड़कियां या कुछ बहनें काजल पसंद करती हैं और कुछ नहीं करती हैं इस वजह से। तो दोनों आँखों में यकीनन आपको डिफरेंस लग रहा होगा, वजह क्या है कि मैंने एक आँख में काजल लगाया है और एक आँख में काजल नहीं लगाया है। मगर इसको फिर भी मैं अपने इत्मीनान के लिए, चूँकि एक जो ब्यूटिशन होती है ना वो किसी भी वो चाहती है कि 100% ही काम करे, तो मैं इसमें हल्का हल्का सा टचेस दे देती हूँ ब्लैक के, ये देखें, ताकि आप भी इस तरह कर सकें। हल्के हल्के जो लोअर लैश है उसको आपने ब्लैक या ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन लेके, तो देखें बिल्कुल आँख की, आप खुद देखते रहिएगा, आँख की लुक ही चेंज हो जाएगी। और नीचे ले देने से ना आँख मज़ीद खूबसूरत और बड़ी नज़र आती है, और वो जो हम कलर लगाते हैं उससे आँख में और फीचर्स में सॉफ्टनेस आती है। ये देखिए, अब देखें थोड़ा सा लुक चेंज नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे हैं ना। तो ये है काजल के फ़ायदे, और बगैर बिना काजल के तो किसी दौर में भी
मेकअप अच्छा लगा ही नहीं, काजल तो हर दौर में रहा है। और काजल जो होता है वो आँख की खूबसूरती होता है, तो इस वजह से काजल तो किसी दौर में भी मैं समझती हूँ कि वो नहीं जाने वाला। ये देखें, इससे मैंने बस लोअर लैश पे हल्का हल्का सा मैंने काजल की एप्लीकेशन करी है, और पूरा प्रोमिनेंट काजल नहीं, ओ कम्प्लीटली काजल नहीं लगाया, सॉरी, इसमें कम्प्लीट काजल लगाया, इसमें मैंने सिर्फ लोअर लैश में काजल को हाईलाइट किया जैसे काजल लगाया, और देखें कैसा आँख में चेंज आया है। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको जो इस डमी पे काम करके दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, अब मैं जो रिव्यू डालूँगी वो आईलाइनर पर होगा कि आईलाइनर कितने किस्म के हैं, कितने शेप के हैं, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। जब मैं आप लोगों को आईलाइनर के बारे में बता दूँगी तो मुझे मेकअप करने में होगी आसानी। तो जाहिर सी बात है, पहले मैं ब्लेंड आई लुक करूँगी, इसको सब ब्लेंड करके फिर मैं आपको वो आईलाइनर क्रिएट करना बताऊँगी, ठीक है। तो अब जो मैं रिव्यू डालूँगी, आप लोग सब तैयार हो जाइए, जो मेरे बिगनर्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे लाइक कर रही हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और जो मुझे फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो वो सब अब मैं आपको पहले से इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग, अब मैं जानती हूँ कि मैं लेट हो गई हूँ वीडियो डालने से, मगर मैं कुछ थोड़ा सा बिजी, तो इस वजह से मैं नहीं डाल सकी थी। तो अब जो मैं बताऊँगी तो आईलाइनर पे ही बताऊँगी, ठीक है। और इसको आपको सब मैंने बता दिया, इसको किस तरह रिमूव करना है, किस तरह नीट करना है, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था मेरा आज का रिव्यू फेस डमी पे आई मेकअप लुक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर दिया करें, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, यकीन करें, आपके लिए रातों में असाइनमेंट तैयार करती हूँ, फिर के मुझे अब किस पे वर्किंग करनी है वो असाइनमेंट लिखती हूँ, फिर जाके फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, रात में बनाती हूँ, दुनिया सो रही होती है मगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स से, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत मैकबले से अल्लाह हाफिज़।